सो दोस्तों, क्या आप लोग किसी को भी मेल करते हो, ठीक है, तो वो एड्रेस फाउंड नहीं होता, तो यार क्यों आता है, किस तरह फिक्स किया जाता है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। जिस तरह यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अभी मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडम एड्रेस एंटर करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर इसको @gmail.com करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं जैसे इसको मैसेज करूँगा या कुछ भी मैं कंप्रेस करके कुछ भी सेंड करूँगा, तो मेरा सेंड नहीं होगा, या सेंड में एरर आ जाएगा, या जब सेंड हो जाएगा, ऐसे तो सेंड हो जाएगा, मगर मुझे दिखाएगा कि दिस एड्रेस इज नॉट फाउंड। ये एड्रेस जो जिसके ऊपर आप लोग मेल सेंड कर रहे हो, ये एड्रेस फाउंड नहीं हुआ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सेंड में आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो नॉन सब्जेक्टेड। अब ये मुझे एरर दिखाते हैं कुछ देर के बाद कि ये एड्रेस जो आप लोगों ने एंटर किया, ये एड्रेस रॉन्ग है, या इस एड्रेस पे कोई भी जीमेल की आईडी नहीं बनी हुई, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स किस तरह किया जा सकता है, क्या इसके कोई सोल्यूशन है? तो सबसे पहले तो भाई, आप लोग जब भी किसी को मेल सेंड कर रहे होते हैं ना, ठीक है, कंप्रेस करके आप लोग मेल यहाँ पर आते हो, यहाँ पर आप लोगों ने जो उसकी जीमेल की आईडी है ना, वो दुरुस्त करके एंटर करनी होती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के पास अगर आप लोगों की जीमेल की आईडी, जो भी आप लोगों के पास जिसकी भी आईडी है, आप लोगों ने ठीक करके एंटर करनी है। जिस तरह यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ ट्विटर हेल्प, ठीक है, तो यहाँ पर यार वो जीमेल की आईडी होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो मेरे को एक और दूसरी मेरी जीमेल की आईडी शो हो रही है, तो मैं यहाँ पर अपनी एक जीमेल से अपनी दूसरी जीमेल पर कोई मैसेज सेंड करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको सेंड करते वक्त यहाँ पर मैं देखूंगा कि क्या मैंने जो डिजिट एंटर किए हैं, जीमेल, जीमेल की स्पेलिंग ठीक है, .com, उसके बाद ये प्लीज की स्पेलिंग ठीक है, जो भी मैं मेल एंटर कर रहा हूँ क्या वो सही है या नहीं, इसको तमाम चीज़ों को चेक करना है आप लोगों ने सबसे पहले। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर कंप्रेस करके मेल सेंड करनी है, और सेंड करते हुए यहाँ पर आप लोगों ने देख लेना कि यहाँ पर आप लोगों के सेंड का जो बटन है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, और इंटरनेट का कनेक्शन भी आप लोगों ने चेक कर लेना है। उसके बाद आप लोग सेंड के ऊपर क्लिक करो, आप लोगों की सेंड हो जाएगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो यार सबसे पहले तो अपने प्ले स्टोर में आ जाओ, उसके बाद प्ले स्टोर में आने के बाद चेक करो कि आप लोगों के पास क्या जीमेल का लेटेस्ट वर्जन है या नहीं, आप लोगों के पास जो मेल है वो ठीक है या नहीं, आप लोगों ने जीमेल का एड्रेस चेक कर लेने अपने प्ले स्टोर से। अगर आप लोगों ने जीमेल को अपडेट नहीं किया हुआ, बहुत सारे लोगों ने क्या किया होता है कि भाई प्ले स्टोर से जीमेल की अपनी आईडी को, मतलब अपनी एप्लीकेशन को आप लोगों ने अपडेट नहीं किया होता, तो आप लोगों ने जस्ट ये भी चेक कर लेना। उसके अलावा आप लोगों की जीमेल किसी और ट्राई कर सकते हो, या किसी और मेल एड्रेस पर आप लोग सेंड करके ट्राई करो कि आप लोगों की अगर इस मेल पर नहीं जा रही तो आप लोग किसी और मेल पर सेंड करके ट्राई कर लो। उसके बाद आप लोगों की 101% प्रॉब्लम फिक्स होगी। आप लोगों की अगर फिर भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं आती, फिर भी कोई एरर आ जाता है, यहाँ पर जैसे तो मेरी भी अपडेट नहीं हुई, तो मैं इसको अपडेट करूँगा, उसके बाद ट्राई करूँगा। और उसके बाद आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप लोगों की जैसे ही अपडेट होगी, उसके बाद आप लोगों ने क्या एक और काम कर लेना है, आप लोगों का अगर फोन रीस्टार्ट नहीं हुआ तो आप लोगों ने फोन को रीस्टार्ट कर लेना है, पावर ऑफ करके आप लोगों ने एक दफा इसको ऑन करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं रीस्टोर नहीं कह रहा, गाइस मैं यहाँ पर रीस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने पावर ऑफ करके शट डाउन करके एक दफा फोन को रीस्टार्ट करना है, उसके बाद आप लोगों का 101% आप लोगों की प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। आप लोगों ने मेल की आईडी को चेक कर लेना कि आप लोग जो मेल एंटर करें वो ठीक है भी या नहीं। हैव अ नाइस डे, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो, वी आर हियर टू हेल्प यू, विजिट अवर वेबसाइट tierkits.com फॉर मोर हेल्प एंड अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।